तो हेलो दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर निकले हैं, देख सकते हैं। ये जैस्मिन का है और वो है गुड़हल का। और सनराइज़ भी अच्छा हो रखा है, देख सकते हैं। सुबह के 9 बजे का टाइम है, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज सारा दिन का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहेगा। मौसम देखिए कुछ इस तरीके का है, बादल भी बना हुआ है और धूप भी निकला हुआ है। तो डेली का वही रूटीन, एक बार आकर चेक करना होता है पौधों को, कौन से फ्लावर आए हैं, नहीं आए हैं, कैसे पौधों का हाल है। तो वही मैं चेक कर रही हूँ और इधर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नयनतारा का ये फूल। इसे नयनतारा हम लोग के यहाँ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और ये इसको तो बोलते हैं ऑफिस टाइम वाला फ्लावर, 9 बजे सुबह खुलता है और 4-5 बजे इसका जो पेटल्स हैं बंद हो जाते हैं। तो अब चलते हैं नीचे, अभी नाश्ता पानी भी नहीं हुआ है, निखिल गया है नाश्ता लाने और निखिल को बाहर भी जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। चलते हैं फटाफट से, चावल भी बन जाए तो निखिल चावल को घी और नमक के साथ खाकर भी चला जाएगा। 10:30-11 बजे ही निकलना है। सब्जी तो ऐसे उसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, बोल रहा है कि घी के साथ भात खा लेंगे। तो चलते हैं नीचे, निखिल भी आ गया है, निखिल नाश्ता लेकर आ गया है। चलते हैं नाश्ता निकालते हैं, निखिल अभी पूजा भी करेगा तो पूजा कर लेगा तो नाश्ता करेंगे हम सभी। इतना सो रही हो, हाँ उठकर फिर आकर सो गई, उठ जाओ। स्कूल ओपन हो गया है, स्कूल ओपन हो गया है, अब छुट्टी नहीं चलेगा। उठो, 9 बजने लगा, नहीं 9 बज गया। तो नाश्ता करने लगे हैं, कचौड़ी का नाश्ता। तो खाने में आज बन रहा है आलू करेले का भुजिया, दाल चावल, और दाल तो बन गया है, और कल का ये पकौड़ा है। तो कल पायल पकौड़ा नहीं खाई थी तो बच गया है, तो अभी हम लोग इसे खाने में खा लेंगे। तो यहाँ पर आलू करेले का भुजिया बन रहा है और थोड़ी सी तैयारी चल रही है स्नैक्स बनाने की। स्नैक्स में जो कि है मोमो बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर चटनी बनाएंगे। तो टमाटर बॉईल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से गाजर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिससे कि गाजर जो है ख़राब ना हो, सूखे ना। तो इसमें से एक निकालेंगे गाजर, और ये है स्वीट कॉर्न, इसमें से भी निकालना है। और यहाँ पर सोयाबीन को मैंने बॉईल कर लिया है, इसे धो करके साफ़ करके इसका पानी निचोड़ कर रख लेंगे। तो बेसिकली स्टफिंग तैयार करना है वेज मोमो के लिए, तो स्टफिंग तैयार रहेगा तो शाम को मोमो बनाएंगे। मौसम देखिए अचानक कैसा हो गया, बारिश होगा, काले काले बादल, काले घने बादल छा गए हैं। तो फटाफट से आकर सारे कपड़े मैंने उठा लिए, अभी 4 बज रहा है। तो सोई थी तो अचानक बादल गरजने का आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई पड़ने लगा, तो मैं फटाक से उठी। तब तक ये लोग कपड़े उठा ली थी सारा, देखिए कैसे काले घने बादल हैं। क्या हो रहा है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया, हल्की हल्की बारिश होने लगी और अभी थोड़ी देर में तेज बरसने लगेगा। तो चलते हैं नीचे, इसको हटा देते हैं तो ये भीगता रहेगा। ये होल्डर है, छत पर खाना वगैरह बनाते हैं तो जाओ, तो टूट गया, बच गया।
तो मोमोज बनाने की तैयारी, शाम को सभी नाश्ता करेंगे। यहाँ पर मोमोज के लिए आटा भी लग गया है, अब इसे अब बनाएंगे। फ्रिज से निकाल दिए हैं और इधर रोटी भी बन गया है हम सभी के खाने के लिए। सब्जी का भी देखना पड़ेगा, अभी उसका एक टेंशन है। तो चलिए फाइनली मोमोज की तैयारी करते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं, आराम से छोड़ देते हैं आहिस्ता करके। एक ही बार काट लो छोटे छोटे बॉल्स एक बराबर के। तो फाइनली इतने मोमोज हमने स्टीम करने के लिए डाल दिए हैं, देख सकते हैं साइज में बड़ा है, जंबो साइज का बनाया है। और इतना इसकी फोल्डिंग करके रख रहे हैं, थोड़ा सा बच गया है। मिनिमम 5 से 7 मिनट में ये हो जाता है। पत्ता